रामपुर में नवभारत एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बने अफ़ान अहमद और किया कार्यकारिणी का गठन। रामपुर में आज नवभारत पत्रकार एसोसिएशन का अफ़ान अहमद को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष ने अपने आवास पर मीटिंग ली और कार्यकारिणी का गठन किया। जी, आज नवभारत पत्रकार संगठन का गठन किया गया है, जिसका आप अध्यक्ष है, तो क्या कार्यकारिणी गठित की, किन किन लोगों को पद बांटे गए? देखिए, मैं आपको बता दूं, नव भारत पत्रकार एसोसिएशन का रामपुर से जिला अध्यक्ष हूं मैं, और मुझे ये जिम्मेदारी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा जी ने दी है, और लखनऊ के अंदर जो है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश दोनों ही स्टेटों में जो है हमारा ये संगठन चल रहा है, बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है, जिसको जो है रामपुर में हमने रणनीति बनाई है। आज हमारे जितने भी पदाधिकारी सदस्य यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं आपको, सब लोग जो है एकजुट होकर आगे काम करने की जो है इसमें सहमति हुई है, और सभी को जो है पद भी बांटे गए हैं। इसमें हमारे उपाध्यक्ष जो है यहाँ पर प्रदीप डॉक्टर प्रदीप अधिकारी को बनाया गया है, और महासचिव जो है हमारे से मोहम्मद आजम खान है, और साथ ही और भी हमारे अन्य जो है पद जो है सभी को दिए गए हैं अपनी जिम्मेदारी। हमारा उद्देश्य ये है कि पत्रकारों के साथ शोषण नहीं हो, किसी भी तरीके के उनके साथ गलत नहीं हो, अगर होता है तो हम सब एकजुट होके एक साथ खड़े होंगे और उसके खिलाफ जो है हम लड़ेंगे, और यही नहीं, पत्रकारों के जो शोषण हो रहा है उसकी मांगों को भी लेकर हम मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक हर जगह जाएंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। भारत जो एसोसिएशन की मीटिंग हुई है उसमें क्या मामला है? जी, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, और मैं इस संगठन से जो है बड़ा खुश हूँ, क्योंकि जो हमारा ये संगठन है ना भारत एसोसिएशन, इसमें जो हमारे जिला अध्यक्ष अफ़ान अहमद हैं, उन्होंने मुझे सदर संगठन मंत्री बनाया है, और मैं चाहूँगा कि हर तरीके से हम इस संगठन को मजबूत करें, और जो भी हमारे लिए तन मन धन से इसमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम इस संगठन को चलाएंगे, मजबूत करेंगे। सदर में ही नहीं, जिले में रामपुर में ही नहीं, हम चाहेंगे कि बाहर भी मजबूती से काम करें, बस यही चाहूँगा।